बात है, जब बुराई के काले अंधेरे इस धरती को घेर रहे थे, तब उम्मीद की एक किरण ने एक बच्चे के रूप में बासाए यमन में जन्म लिया। यह सहजारा कमजोरों की हिफाजत के लिए चुना गया था। नेकी की ताकतों ने इस सहजारे को शैतानी ताकतों को खत्म करने के लिए भेजा था। तभी बादशाह यमन को उनका मंत्री उन्हें सूचना देता है कि फकीर बाबा आए हैं। तभी फकीर बाबा बादशाह यमन के पास आते हैं और बताते हैं, मलिका यमन, बादशाह यमन, आप बहुत खुशनसीब हैं। आपके घर में एक इंसान के रूप में एक फरिश्ते ने जन्म लिया है और कहते हैं आपके घर का यह चिराग ऐसा सूरज बनेगा जिसकी रोशनी से बुराई के सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। ये बच्चा नेकी और अच्छाई की सारी ताकत लेकर पैदा हुआ है। ये दुनिया को इंसानियत का पैगाम देगा। ये जरूरतमंदों की खिदमत करेगा और दानी होगा। और फकीर बाबा उस बच्चे का नाम हाथिम रखते हैं। तभी यमन के बादशाह अपने मंत्री वजीर खास को कहते हैं, आस पास के सभी छोटी बड़े रियायतों में शहजादे हाथिम के जन्मदिन की खुशखबरी भेज दी जाए। और कहते हैं मुल्क जफार के बादशाह को इस खुशखबरी के साथ हमारे शुभ संदेश भी भेजे जाए कि उनकी मलिका की सेहत के लिए हम और हमारी मलिका हमेशा दुआ करेंगे। और हमारी ये ख्वाहिश है कि वहाँ से भी ऐसा ही कोई खुशखबरी बहुत जल्द मिले। उसके बाद मंत्री वजीर खास जफार मुल्क जाते हैं। और जब जफार मुल्क पहुँचते हैं, उसके बाद जफार मुल्क के महल को देखते हैं और कहते हैं, जफार के महल में यह क्या हो रहा है, जो कि जफार के महल में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं जफार के महल में जफार के शहजादे का जन्म होता है। लेकिन जफार के शहजादे का जन्म होते ही उसके दिल की धड़कन रुक जाती है और जफार के बादशाह अलामा से पूछते हैं, क्या हकीम हमारे बच्चे को बचा लेगा। तभी अलामा कहते हैं, हकीम कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह नामुमकिन है। उनकी सारी बातें अलामा का चेहरा नजूमी सुन रहा होता है और वह कहता है, अल मखदूम, और वह अपना यक करता है और कहता है, अरे बुराई के बादशाह, यही मौका है, जा जाकर समा जा उस बच्चे के शरीर में, जा समा जा। ये बच्चा बड़ा होकर तेरी हुकूमत को सारी दुनिया में फैलाएगा और तेरा नाम रोशन करेगा। जा समा जा शहजादे के जिस्म में और उसमें शैतानी रूप फूंक दे। वही दूसरी तरफ हकीम उस बच्चे की दिल की धड़कन चालू कर उसे जिंदा नहीं कर पाए थे। तभी नजूमी की बुराई की काली ताकत उस बच्चे के अंदर आकर समा जाती है और वह बच्चा जीवित हो जाता है। तभी बादशाह अपने बच्चे को अपने गोद में लेने के लिए जा रहे होते हैं। तभी अलामा बादशाह को रोक देता है और अपनी शक्तियों से पता लगाता है यह बच्चा जीवित कैसे हो गया। तभी अलामा जैसे ही बच्चे के पास जाता है और तभी उसे एक जोर का झटका लगता है। तभी बादशाह कहते हैं, अलामा क्या हुआ। तभी अलामा बताता है कि बादशाह, ये आपका बच्चा नहीं है, ये तो मर चुका है, ये बच्चा शैतान है, ये शैतान का बच्चा है बादशाह। और अलामा बताते हैं, इस बच्चे का महल में आना जफार की तबाही और बर्बादी की ओर इशारा करता है बादशाह। जफार में अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो शैतानी ताकतों से ये इतना ताकतवर बन जाएगा कि सारी दुनिया इसके कदमों में होगी, अच्छाई का नामो निशान मिटा देगा, ये सारी दुनिया पर इसके जुर्म की हुकूमत होगी। और कहते हैं, ये शैतान है बादशाह, ये शैतान है। तभी बादशाह पूछते हैं, अलामा, इस तबाही को रोकने का कोई तो तरीका होगा। तभी अलामा कहते हैं, इस बच्चे की मौत। तभी मलिका की सेविका कहती है, पर बादशाह, इसके बाद मलिका फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी। तभी अलामा कहते हैं, बादशाह, हमें इस बच्चे को खत्म करना होगा और इसके दिल को निकाल कर जला देना होगा ताकि शैतान की निशानी जड़ से खत्म हो जाए। तभी अलामा नजूमी को हुक्म देते हैं कि इस बच्चे को ले जाओ और इसका दिल निकाल कर ले आओ। तभी नजूमी कहता है, जो हुक्म मेरे आगा। तभी नजूमी उस बच्चे को ले जाता है और कहता है, इस बच्चे को मैं सारी दुनिया का शैतान बनाऊंगा, सारी दुनिया का शैतान। उसके बाद नजूमी उस बच्चे को लेकर चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ अपने शैतान तारा को बुलाता है और उसे हुक्म देता है और कहता है, जाओ जंगल से खरगोश लेकर आओ और उस खरगोश का दिल निकाल कर लाओ और बादशाह को जाकर ये खबर सुनाओ कि उस बच्चे को इस दुनिया से वापस भेज दिया गया। तभी वहाँ अलामा आता है और कहता है, नजूमी, तुम ये क्या कर रहे हो, बादशाह को खरगोश का दिल भेज कर तुम अपने बादशाह के साथ धोखा कर रहे हो। तभी नजूमी कहता है, जो बादशाह इतना बेवकूफ़ हो जो अपने खुशनसीबी को बदनसीबी समझ के उसका साथ देना, अपने साथ धोखा करना। तभी अलामा कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, ये बच्चा बड़ा होकर सारी दुनिया को तबाह कर देगा। तभी नजूमी कहता है,
आपने तो ये भी कहा था उस्ताद कि ये बच्चा सारी दुनिया पर राज कर सकता है, तो क्या बादशाह इसके जरिए पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकता? अरे कर सकता है, अगर बादशाह दूर की सोचे तो। तभी अलमा कहता है, समझा तू दूर की सोच रहा है। तभी नजूमी कहता है, चेला किसका हूँ? आपका। लेकिन जो बादशाह चाहता है वो मैं नहीं करूँगा। ये बच्चा जिंदा रहेगा और यही इसी महल में। मैं इसे बड़ा करूँगा, मैं इसे उन सारे शैतानी ताकतों से महफूज कराऊंगा जिससे दुनिया के सारे तहसक इससे डरेंगे। और नजूमी कहता है, और फिर ये सारी दुनिया का बादशाह बन जाएगा और मैं आपका चेला सबसे बड़ा इस दुनिया का ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। और वह आलमा पर अपनी ताकत से वार कर देता है। तभी नजूमी और आलमा दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी नजूमी धोखे से आलमा का जादुई दंड छीन लेता है और आलमा को उन्हीं की ताकत से उन्हें खत्म कर देता है। उसके बाद अपने शैतान द्वारा लाए खरगोश के दिल को नजूमी बासा को दिखाता है। उसके बाद नजूमी उस बच्चे को दुनिया की सारी काली ताकतों से नवाजता है और उसका नाम जंजार रखता है। वही दूसरी तरफ यमन के सजादे हाथी की परवरिश नेकी और भलाई के साये में हो रही थी। वही दूसरी तरफ जफार में जंजार नजूमी के दिखाए हुए शैतानी रास्तों पर चल रहा था। और धीरे धीरे नजूमी बादशाह जफार के सारे वफादार लोगों को मारता गया और जफार तबाह होता चला गया। और नजूमी बादशाह को झूठ भगाता है और कहता है, बादशाह सलामत, मुल्क जफार की दुर्दशा देखकर आपके सभी साथी गद्दार हो गए और यहाँ से भाग गए। और कहता है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं भागा, मैं आपका वफादार हूँ। वही दूसरी तरफ यमन में हाथी को उनकी अम्मी ढूंढ रही होती है। तभी उन्हें बताया जाता है कि हाथी महल में नहीं है, वह तो हमेशा की तरह घुड़सवारी करने के लिए गया है। वही दूसरी तरफ हाथी घुड़सवारी करने के लिए गए होते हैं और जंगल में हाथी घुड़सवारी कर रहे होते हैं और जंगल को देख रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें कुछ चील उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि वे चील किसी का पीछा कर रहे होते हैं। तभी हाथी भी उसका पीछा करते हुए उसके पास जाते हैं, जो कि वह चील किसी शहजादी का पीछा कर रहा होता है। वह चील कोई और नहीं बल्कि उस नजूमी के भेजे हुए शैतान का चील होता है। तभी अचानक वह शैतान उस शहजादी पर हमला करने वाला होता है कि अचानक हाथी तीर से उस पर वार करके उसे खत्म कर देते हैं। और हाथी एक एक करके सभी चीलों पर वार करके उन सभी चील और उस पर बैठे शैतान को खत्म कर देते हैं और उस शहजादी की जान बचा लेते हैं। तभी हाथी उससे कहते हैं, क्या समझती हो आप अपने आप को? बहुत दिलेर हैं, दुनिया में किसी चीज का डर नहीं है। आप क्या सोचकर बैठी थी कि आप पर कोई हमला नहीं कर सकता? और कहते हैं, कोई लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है जो बिना किसी रक्षक के या किसी साथी के घर से बाहर निकलना मुनासिब समझने का दावा करती है। तभी वह शहजादी कहती है, मैं घर से अकेली नहीं निकली थी, मेरे साथ मेरी सहेलियां और मेरा अंगरक्षक था। जो मैं रास्ते में भटक गई, वो सब मुझसे अलग हो गए, इसलिए वे हमारे पीछे पड़ गए थे। तभी हाथी देखते हैं कि उसके हाथ में चोट लगा होता है। तभी हाथी अपने कपड़े को फाड़ कर उसके चोट से निकल रहे खून को साफ करते हैं। तभी हाथी उनसे पूछते हैं। तभी वह हाथी के पूछने में बताती है कि मेरा नाम जैस्मिन है। तभी हाथी कहते हैं, जैस्मिन, क्या आप ये परेशान की शहजादी हैं? तभी जैस्मिन पूछती है, और आप मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? तभी हाथी कहते हैं, मैं यमन का शहजादा हाथी हूँ। और कहते हैं, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि बादशाह यमन और बादशाह फरिश्तान दोनों दोस्त हैं, हम दोनों की शादी की बात चल रही है। तभी वहाँ जैस्मिन का अंगरक्षक आता है और वह हाथी को धक्का दे देता है। तभी जैस्मिन कहती है, हाथी ये मेरा अंगरक्षक होबो है। तभी हाथी कहते हैं, ये अंगरक्षक कहाँ था जब जैस्मिन पर हमला हुआ था? तभी होबो कहता है, वो तो तुम बीच में आ गए, वरना जैस्मिन को बचाने होबो जरूर आता। तभी हाथी कहते हैं, आते जरूर आते, लेकिन तब तक वे लोग जैस्मिन को उठा ले गए होते। तभी होबो तलवार निकालता है और कहता है, होबो के होते हुए किसकी हिम्मत, तुम होबो का मजाक उड़ाते हो? समझ कर क्या रखा है होबो को, पिछले हजार सालों से परिस्तान के राज घराने का अंगरक्षक होबो। तभी जैस्मिन कहती है, तलवार नीचे रखो होबो, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये शहजादे यमन है, इन्होंने हमारी जान बचाई है। और होबो को माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन होबो माफी नहीं मांगता और पेड़ पर अपना सर पटकने लगता है। तभी हाथी कहते हैं, बस बस, गलती मेरी है, हम माफी मांगते हैं, जैस्मिन को हमने नहीं आपने बचाया है।
वहीं दूसरी तरफ जफार में नजूमी बादशाह और मलिका के पास जाता है। तभी मलिका कहती है, नजूमी आपने शाही दरबार की तौहीन की है, आपने बादशाह सलामत के सामने सर नहीं झुकाया। तभी नजूमी कहता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और कहता है, मलिका जफार मेरे बादशाह जफार जब तक वह तख्त पर बैठे थे जितनी इज्जत देनी थी उतनी मैंने दी। और कहते हैं, मैं शाही नजूमी हूँ, अपना फर्ज नहीं भूलता। हर रोज दरबार में आने से पहले मैं सलाम करता हूँ और आज भी दरबार में आने से पहले मैंने सलाम किया है और आज आप सबको सलाम करना पड़ेगा क्योंकि जफार का असली बादशाह आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जंजाल जफार आ रहा होता है। तभी बादशाह जफार उससे कहते हैं, नजूमी तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो, जफार के बादशाह हम हैं। तभी नजूमी कहता है, आपने उसी दिन इस तख्त पर अपना हक खो दिया था जिस दिन आपने अपने बेटे को शैतान मानकर उसे मार डालने का हुक्म दिया था। और नजूमी कहता है, लेकिन मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। तभी महारानी जफार कहती है, इसका मतलब मेरा बेटा जिंदा है। और नजूमी बताता है कि 24 सालों में मैं आपके बच्चे को इसी राज्य में पाला और बड़ा किया, आप लोगों से बचाकर और शैतानी ताकतें इकट्ठा करके उसकी मदद की। और कहता है, पर आज वह यहाँ बादशाह बनने के लिए आ रहा है। और नजूमी कहता है, इसलिए जफार की तख्त खाली कर दो। वही दूसरी तरफ जंजाल जफार आ रहा होता है। उसके बाद जंजाल जफार के महल में प्रवेश करता है और फिर दरबार में आता है और बादशाह को तख्त खाली करने के लिए कहता है। और कहता है, तख्त खाली कर दो वरना हम तुम्हारा सर काट देंगे। लेकिन बादशाह तख्त खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी जंजाल अपनी सारी ताकतों से बादशाह और महारानी पर वार करता है और उन पर वार करके उन्हें जमीन पर गिरा देता है। और जंजाल कहता है, दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बनने का मेरा सफर आज से शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ हाथी और जैस्मीन कुछ बातें कर रहे होते हैं और वहीं बादशाह यमन और बादशाह परिस्तान के दोनों बादशाह और महारानी भी हाथी और जैस्मीन की शादी की बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नजूमी भी जंजाल को शादी करने के लिए कहता है। तभी जंजाल कहता है, शादी लेकिन क्यों? तभी नजूमी बताता है, पूरी दुनिया में राज करने के लिए। और कहता है, तुम्हारी ताकत काफी नहीं है, सताई ताकत हासिल होने के साथ साथ तुम्हें अच्छाई की भी ताकत हासिल करनी पड़ेगी। तभी जंजाल कहता है, वो कैसे? तभी नजूमी कहता है, तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जिसका ख्याल नेक हो और जिसका हर कदम अच्छाई के लिए उठता हो। तभी जंजाल पूछता है, आखिर वो लड़की मिलेगी कहाँ? तभी नजूमी अपनी शक्तियों की मदद से उस लड़की का चेहरा दिखाते हैं और बताते हैं, यह है राजकुमारी सुनैना दुर्गापुर की, इसमें दुनिया भर की सारी अच्छाई मौजूद है। तभी जंजाल कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इससे शादी करूंगा। तभी नजूमी कहता है, शादी जोर जबरदस्ती से नहीं सुनैना की मर्जी से होनी चाहिए और अगर तुम उसे मजबूरन इस महल में ले भी आए तो वो अपनी सारी अच्छाई पीछे छोड़ आएगी। तभी जंजाल राजकुमारी सुनैना की मर्जी जानने के लिए दुर्गापुर जाता है, जहाँ दुर्गापुर के महल में राजकुमारी का छोटा भाई तलवार बाजी कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ जंजाल अपने शैतानी परिंदे में बैठकर दुर्गापुर आ रहा होता है और वह दुर्गापुर के महल के पास पहुंच जाता है। वही दूसरी तरफ सुनैना के छोटे भाई तलवार बाजी कर रहे होते हैं। तभी जंजाल अपने शैतानी सेना के साथ महल में प्रवेश करता है। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता, जंजाल के शैतानी सेना उन्हें खत्म कर देते हैं। और उसके बाद जंजाल सुनैना के पास पहुँचता है।